बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 20 जुलाई को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को तरजीह नहीं देती है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि वे किसी भी अपराधी या उग्रवादी को संसद में नहीं भेजेंगे। इसके आगे क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, आइए आपको सुनाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर अगर जो विपक्ष गंभीर है तो पहले हमने कहा था कि वो शपथ ले, संकल्प करे, घोषणा करे कि किसी अपराधी को हम टिकट नहीं देंगे, किसी आतंकवादी उग्रवादी को मैं सदन में नहीं भेजूंगा और अपराधी को टिकट नहीं दूंगा, माफिया को, दारू माफिया, बालू माफिया को मैं उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है तो उन्हें संकल्प लेना चाहिए और घोषणा करना चाहिए कि वे किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी उग्रवादी को सदन में नहीं भेजेंगे, शराब माफिया नहीं बनाएंगे, रेत माफिया नहीं बनाएंगे। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अरे ये लोग के करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। जो चोर होते हैं वो शोर मचाते हैं, ये शोर मचाने वाले लोग हैं। मैंने खुला निमंत्रण दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधी माफिया को कहीं महत्व तरजीह नहीं देता है। है हिम्मत राजद को? है हिम्मत जिस उग्रवादियों को सदन तक पहुंचाता है, अपराधियों को सदन में लाता है, आतंकवादियों को संरक्षित करता है, भ्रष्टाचारियों को भी गलबहियां कर करके जेल में बंद रहने के बाद भी उसके साथ गठबंधन बनाता है और अपराध के विरुद्ध आंदोलन करे, अपराधी को चुन चुन करके अगर जो कोई ठंडा सकता है तो वो एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी। आतंकवाद को देश से अगर जो मिटाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार। उग्रवाद को अगर जो हमने खत्म किया है तो एनडीए ने, और अपराधी और भ्रष्टाचारी को भी खत्म हम ही करेंगे। इन लोगों को, नौटंकीबाज लोगों को दम और दशा नहीं है। प्रत्याशी के रूप में माफिया, इनकी कथनी और करनी में कोई समानता नहीं है। मैंने खुले तौर पर कहा है कि भाजपा कहीं भी अपराधियों या फिर माफियाओं को तरजीह नहीं देती है। अपराधियों को अगर कोई सबक सिखा सकता है तो वो है एनडीए गठबंधन की बातें विजय कुमार सिन्हा ने कही और विपक्ष का ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। आगे क्या कुछ होगा देखना है, लेकिन फिलहाल के लिए इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।